अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। मैं आपके साथ आज मुखातिब हूँ। पर्सनल ग्रेटनेस के टॉपिक पे हम बात करेंगे आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई शख्स हमें कहता है कि गाइस आई वांट टू बी अ ग्रेट लीडर, तो हम क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग वी डू इज टू सिट टू विजिट हिज हाउस, वी वॉक इन एंड चेक हिज लाइब्रेरी। सबसे इंपॉर्टेंट, घर में जाएं और घर में पर्सनल लाइब्रेरी चेक करें। व्हाट अ मैन रीड्स, पोर्स मैसिव इंग्रेडिएंट्स इनटू हिज मेंटल फैक्ट्री, दैट इज हाउ द फैब्रिक ऑफ हिज लाइफ इज बिल्ड। तो अगर आप समझते हैं कि किसी शख्स को आपने देखना है कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स की क्या कैपेबिलिटी है, तो आपको ये देखना होगा वो शख्स पढ़ता क्या है, वो क्या पढ़ता है और किन लोगों में उठता बैठता है, उसकी कंपनी क्या है। कंपनी से मतलब जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं उनसे आप उनकी आदत हासिल कर लेते हैं, उनसे उनका सोचने का तरीकेकार हासिल कर, उनसे उनका लाइफस्टाइल आप हासिल कर लेते हैं, उनसे जिंदगी गुजारने के तरीके आप सीखते हैं, और जो किताबें पढ़ते हैं उन किताबों की मदद से जो इन्फॉर्मेशन आप इनटेक लेते हैं अपनी मेंटल फैक्ट्री में, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पे अपने एक्शन डिसाइड करते हैं, क्या एक्शन लेने हैं आपने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपने कोई किताब नहीं पढ़ी 90 डेज में, तो इसका मतलब कि आपका जो रॉ मटेरियल है, जैसे एक मिलत इक्विपमेंट है, या अगर सेंचुरी पेपर है तो पेपर प्रोडक्ट है उनकी, तो ऐसे ट्रैक्टर के पार्ट्स आपकी प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए। अगर रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, प्रोसेसिंग अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छी बनेगी। इसी तरह से अगर आपकी मेंटल फैक्ट्री में जो थॉट प्रोसेसिंग है आपकी, जो इनपुट है, वो अगर अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी, तो एंड रिजल्ट जो एक्शंस हैं आपकी लाइफ के वो बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। उसकी बुनियाद पे आपकी लाइफ की प्रोग्रेस डिसाइड की जाएगी। ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी आपकी लाइफ के अंदर आपकी सक्सेस को। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आप किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जो थॉट्स आप सोचते हैं, वो कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम हद तक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और बेहतर हो, ताकि आपकी लाइफ में रॉ मटेरियल आपको अच्छा मिले। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग अ गुड लाइफ क्या तरीकेकार है। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ थॉट। आपने आज सोचा कि मुझे अच्छी लाइफ गुजारनी है आज के बाद, तो इस थॉट ने आपकी लाइफ में एक अच्छा एक्शन क्रिएट करने में आपको हेल्प की। सिलेक्ट द राइट इंग्रेडिएंट्स। आपको अपनी लाइफ में से, अपने थॉट प्रोसेस में से, अपनी मेंटल फैक्ट्री में से जो चीजें नहीं चाहिए आपको, उनको रिमूव करना होगा, और जो चीजें चाहिए उनको आपने ऐड करना होगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू थिंक। अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, आपके सेल्फ टॉक कैसी है, सेल्फ टॉक आपके अपने बारे में कैसी है, आपके बॉस के बारे में कैसी है, आपकी वाइफ के बारे में कैसी है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी आपकी लाइफ में, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी ग्रोथ को। सो ये इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेसेस। यू गॉट टू बी वाइज एंड केयरफुल। बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। यहाँ पे क्यों केयर की जरूरत है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिस्ट ऑफ व्हाट टू रिमूव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। आप सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छी आदत या अच्छी चीजें या अच्छे लोग ऐड हो जाएं, और वो नहीं हो पाते। वो नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज अगर एक ग्लास में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, आप उसमें और पानी डालेंगे तो उसमें तो जगह नहीं है ना। हमारी लाइफ में एक्टिविटीज, दोस्त अहबाब, रिलेशनशिप, काम, हॉबीज, ये सब चीजें ऑलरेडी बचपन से एड अप होती आ रही हैं, और अब तक हमारी डेली रूटीन 100% फिल्ड है। हमारे पास गुंजाइश नहीं। अगर मैं एक अच्छा दोस्त ऐड करना चाहता हूँ लाइफ में, तो कैसे ऐड होगा, जगह ही नहीं है उसको टाइम देने के लिए, उसको उसके साथ आप अगर म्यूचुअल लर्निंग करना चाहते हैं उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को, चीजों को ऐड करना छोड़ दें। सबसे पहले जगह बनाएं, सबसे पहले लिस्ट बनाएं किन चीजों की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में और वो आ चुकी है। मिसाल के तौर पे जॉब, क्या इस जॉब की आपकी लाइफ में जगह है? दिस इज द ओनली जॉब यू वॉन्टेड टू हैव इन योर लाइफ? अगर नहीं तो इसको रिमूव करें। मुश्किल है, लेकिन आप इसको सेकंड स्टेज पे रख लें। सबसे पहले अपने दोस्तों में से देखें कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनकी जरूरत नहीं है आपको, जो
वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो आपको पर्पस से, आपके लाइफ पर्पस से दूर लेके जा रहे, जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट की वजह बन रहे हैं, ऐसी आदत, लेट सपोज रात को लेट सोने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, नमाज ना पढ़ने की आदत है, चैरिटी ना करने की आदत है, पॉजिटिव थिंकिंग ना करने की आदत, इन सारी आदत की लिस्ट बनाए और निकाल दें। जैसे ही आप किताबें नहीं पढ़ते, एक आपकी हैबिट है, इसको निकाल दें, ऑटोमेटिकली किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जगह बनाएं, अपनी लाइफ में जगह नहीं बनाएंगे, नई आदत, नए दोस्त, नई किताबें, नई हॉबीज, नई मशगलें आपकी लाइफ में ऐड नहीं हो पाएंगे। उनको ऐड करने के लिए जगह बनानी। मैंने जिस दिन रोटरी क्लब छोड़ दिया, जिस दिन लॉयंस क्लब छोड़ दिया, जिस दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, जिस दिन मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, तो चीजें ट्रांसफॉर्म होती गई, चीजें बेहतर होती गई, नए लोग ऐड होते गए, नए हॉबीज, नई किताबें, नई एक्टिविटीज ऐड होती गई, हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर दिया। सो इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में से एक लिस्ट बनाई और बहुत सारी चीजें निकाल दी जिनकी वजह से मुझे बहुत सारे काम करने का टाइम नहीं मिलता था। उससे क्या हुआ, सबसे पहली चीज कि मेरे पर टाइम बच गया, और उस टाइम में मैंने सोचा क्या करूं, टाइम बच गया क्या करूं, बोर हो रहा हूं, तो मुझे बोरियत दूर करने के लिए सबसे बेहतर लगा किताबें खरीद लो। मैं किताबों की दुकान पे गया, मैंने वहां से किताब खरीदी और मैंने पढ़ना शुरू की। जब मुझे किताबें पढ़ते हुए मेरे एक दोस्त ने देखा जो किताबें पढ़ने का शौकीन था, उसने मुझे एक और किताब गिफ्ट कर दी। देखिए किस तरह से सिस्टम बनता जाता है। जब उसने मुझे किताब गिफ्ट की तो उसने कहा ये किताब आपके लिए है, आप इससे बहुत फायदा उठाएंगे। मैंने देखा किताब का नाम था पर्सनल, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, हम सब ने इस पे काफी ट्रेनिंग्स अटेंड की, पढ़ा बहुत सारी चीजें भी, लेकिन आप में से किसी ने फिजिकल इंटेलिजेंस का नाम नहीं सुना होगा सेंचुरी पेपर के अलावा। सो फिजिकल इंटेलिजेंस पे जब पहली किताब मैंने पढ़ी तो मैंने उस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, पार्क जाना शुरू किया, वॉक करनी शुरू की, डाइट अपनी सही की, जो अनवांटेड फूड था वो निकाल दिया लाइफ से, ऑटोमेटिकली 78 से इस वक्त 69 पे मेरा वेट आ गया विद इन 2 मंथ्स, बगैर एक्सरसाइज के, बगैर जिम जाने के, बगैर कोई स्पेशल डाइट लेने के, उस किताब में दी हुई एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस और उसके अंदर दिया हुआ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से मेरी वेट 38 से 33-34 पे आ गई। सो इमेजिन कि मैंने जब चीजें निकाली तो जो चीजें ऐड हुई उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, जो दोस्त ऐड हुए उन्होंने मुझे वैल्यू ऐड करना शुरू की मेरी लाइफ में। तो इस तरीके से लिस्ट बनाएं, जो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं और वो आपको ना पसंद है उनको निकाल दें ताकि अच्छी चीजों के लिए जगह बन सके। दिस इज ऑल कॉल्ड दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू थिंक, हाउ यू लिव, हाउ यू स्पेंड योर टाइम एवरी डे। सो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में आई हुई हैं जिनको रिमूव करने की जरूरत है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें पास्ट में, मेरे आप सबका भी कोई मेंटोर होगा, मेरा मेंटोर है उसका नाम है जिम रॉन। जिम रॉन को मैं बहुत ज्यादा सुनता, पढ़ता, डिस्कस करता हूँ। जिम रॉन कहता है कि स्टैंड गार्ड एट योर मेंटल फैक्ट्री एवरी डे, स्टैंड गार्ड एट योर मेंटल फैक्ट्री। माइंड की जो फैक्ट्री है जिसमें आपके थॉट प्रोसेस होते हैं उसके सामने गार्ड बन के खड़े हो जाए। मेक श्योर कि आपको पता हो क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर जा रहा है। अगर आप गार्ड नहीं बनेंगे मेंटल फैक्ट्री का तो आपको, आपका तो कंट्रोल ही नहीं है आपका माइंड क्या प्रोसेस कर रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या इनपुट आप उसको दे रहे हैं। विजनरी होने के लिए डू नॉट लेट एनीबॉडी जस्ट डंप एनीथिंग इनटू योर मेंटल फैक्ट्री। एक शख्स आया, उसने अपना कॉन्सेप्ट आपको दिया और आपने ले लिया, क्यों भाई? उसको आप असेस करें, एनालाइज करें, उसको आप देखें क्या आपके बेनिफिट में है, क्या वैल्यू एड कर रहा है, नहीं कर रहा नहीं ले। आप बोले नहीं भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे बाय नहीं करना, ये बात मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं चाहिए। सो आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको। इसी तरह कंप्लेनिंग, क्राइंग, मर्मरिंग, ये सब इकोनॉमिक कैंसर है बोन्स का। हर वक्त ये सोचते रहना ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे हो गया लाइफ, इनसे बाहर निकलें, अपने माइंड को एनालाइज करें और मेक श्योर करें कि आपको पता हो क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं और क्या जा रहे हैं। You should know what goes inside your mental factory. Take control of your intakes. Improve your emotional hygiene. ये बहुत important topic है। किसी दिन सिर्फ emotional hygiene पे अगर हम बात करें एक घंटे के लिए,
मजा आएगा, बिकॉज इमोशनल हाइजीन की कोई बात नहीं करता, फिजिकल हाइजीन की हम बात करते हैं। तो इमोशनल हाइजीन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो किस तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बेहतर होगी? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं बेहतर होगी, कुछ भी बेहतर नहीं होगा। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट सपोज आप कॉफी पी रहे हैं और आप कॉफी पी रहे हैं और आपकी कॉफी में गलती से शुगर गिर गई है, शुगर एक चम्मच, क्या होगा? वो कॉफी आप पी लेते हैं, उसमें एक शुगर, एक चम्मच शुगर गिर गई है, वो आप पी लेते हैं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक दफा एक चम्मच शुगर पीने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, आप इमेजिन करें उस चाय के अंदर एक चम्मच जहर गिर गया उस कॉफी के अंदर और वो आपने पी लिया, तो क्या होगा? डेथ, इवेंचुअली यू विल डाई। सो इस चीज को समझे, कॉफी इज जस्ट लाइक योर लाइफ। अब एक और एग्जांपल, इसी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। आप कॉफी पी रहे हैं और आपकी कॉफी में आपका एक दोस्त आया और उसने आके एक चम्मच जहर मिला दिया और आपने वो पी ली, तो क्या होगा? इवेंचुअली यू विल डाई। अब आप कॉफी पी रहे हैं और आपकी कॉफी में एक दुश्मन आया आपका, उसने आके एक चम्मच शुगर डाल दी, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऑल दो वो दुश्मन है, लेकिन उसने जो एक्शन किया है वो आपके नुकसान के लिए नहीं है। सो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये जरूर देखें कौन शख्स आपको क्या दे रहा है। हो सकता है एक दोस्त आपको ऐसा मशवरा दे दे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, हो सकता है एक दुश्मन आपको ऐसा मशवरा दे दे जो आपकी जिंदगी बना दे। कॉफी इज जस्ट लाइक योर लाइफ, जस्ट लाइक योर मेंटल फैक्ट्री, जिसके अंदर एक दोस्त से इंफॉर्मेशन मिली, उससे फायदा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे नुकसान हुआ तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर एक दुश्मन ने जाते जाते आपको कोई बात कह दी और वो बात आपने सीख ली और उससे आपकी जिंदगी बेहतर हो गई, पॉसिबल है। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन क्या दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एनालाइज करें और उसको प्रोसेस करें और फिर उसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में सोच। ब्लेम लिस्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऐड किए हुए थे जिसको हम कहते हैं लोगों को ब्लेम करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करना। टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तनख्वाह में से ज्यादा तो टैक्स चला जाता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही है, कोरोना की वजह से सब बंद हो गया, बर्बाद हो गया। रिलेटिव्स मेरे अच्छे नहीं है, अगर वो मुझे सपोर्ट करते तो मैं आज बहुत बेहतर पोजिशन पे होता। मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे कोलीग्स अच्छे नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, अगर बॉस अच्छा मिल जाता तो मैं भी बेहतर हो सकता था। आप अपनी ब्लेम लिस्ट बनाएं और आप सबसे ऊपर अपना नाम लिखें। आपको सबसे पहले इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, कोरोना, रिलेटिव, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में एक चीज है और वो है आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करके बेहतर हो सकते हैं। लेट सपोज बहुत अरसा पहले अमेरिका में एक बिल पास होना था, उसमें लिखा हुआ था $4 एक घंटे की वेजेस कम है, डेली वेजेस के लिए $5 होनी चाहिए। सो मैं इसको ये समझता हूँ कि $4 या $5 की बात नहीं, इट्स अ लैडर, जस्ट लाइक अ लैडर, सीढ़ी है। तो आप 4 से शुरू करें, 5 से करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से तो शुरू करना है ना। अगर लेट सपोज $4 ही आप मान लेते हैं, मिनिमम वेज $4 पर आवर है। सो अगर मैकडोनल्ड में एक शख्स कूड़ा उठाता है, गार्बेज उठा के बाहर डाल रखता है, उसकी पर आवर वेज $4 है। अगर वो थोड़ा सा सीख ले विसल बजाना, ऑर्गेनाइज करना, बात करना, तो वो सुपरवाइजर की पोजीशन पे आके $5 पर आवर की बेसिस पे अर्न कर सकता है। इसका मतलब कि इस इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपलिफ्ट करना। आप अपलिफ्ट करें और अगर आप देखें डिज्नी के सीईओ की पिछले साल की इनकम $200 मिलियन, $300 मिलियन, सो $5 से $200 मिलियन तक एक शख्स कमा सकता है अगर वो अपने थॉट प्रोसेस, माइंड, विजन, इंटेलेक्चुअल और अपनी ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर ले। पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करने से आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। उसके लिए अपनी ब्लेम लिस्ट पे सारी चीजें काटते हैं और सबसे ऊपर और सिर्फ एक ही नाम लिखें, अपना। अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे तो अपने आप को ब्लेम करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है हमारे पास। इस स्लाइड में
अगर आप देखें तो ये मैं इसको कैमरा का व्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस स्लाइड में कोशिश की है मैंने कि एक्सप्लेन करें कि हम गोल सेटिंग क्यों नहीं कर पाते, गोल सेटिंग क्यों नहीं कर पाते, उसकी वजह हम अगर किसी से पूछें यार आपका गोल क्या है तो वो कहते हैं यार गाड़ी खरीदना, या किसी से पूछे यार आपका गोल क्या हो, कहते हैं यार 10 kg वेट कम करना, और कोई गोल नहीं होता। हमने कभी गोल्स को कैटेगराइज नहीं किया, उसकी क्लासिफिकेशन को नहीं समझा। लेट सपोज गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे। पैसे चाहिए तो इसका मतलब ये गाड़ी खरीदना आपका फाइनेंशियल गोल है। लेट सपोज घर बनाना आपका एक गोल है, मैं मुझे नया घर चाहिए तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसे, फंड्स, तो फाइनेंशियल गोल है ये आपका, होम मेकिंग गोल नहीं है ये। सो अगर आपको वेट कम करना है तो डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए, जिम जाने के लिए पैसे चाहिए, तो ये आपका फाइनेंशियल गोल है प्लस हेल्थ गोल है। सो सबसे ऊपर टॉप पे फाइनेंशियल गोल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी ये सब डिसाइड करेगा आपके फाइनेंशियल गोल्स की क्वालिटी। फाइनेंशियल गोल्स जितने अच्छे बनाएंगे आप, उतने अच्छे हेल्थ गोल, करियर गोल, सोशल गोल, फैमिली गोल, रिलीजियस गोल्स आप बना सकते हैं। हेल्थ गोल क्या है, मैंने अपनी वेस्ट कम करनी है, मैंने अपना वेट कम करना है, मैंने शेप में आना है, मैंने अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करनी है, उसके लिए मैंने क्या क्या करना है। आप डेली बेसिस पे सारे गोल्स की लिस्ट बनाएं, लिखें और उसको शुरू कर लें। स्टार्ट आप कहां से कर सकते हैं, आप स्टार्ट यहां से कर सकते हैं, आप जहां पे भी रहते हैं वहां 10-20-50 घर होंगे, आप उस ब्लॉक के आसपास, उस मोहल्ले में, उस ब्लॉक में, उस सेक्टर में चक्कर लगाना शुरू कर दें शाम को ऑफिस से जाने के बाद। सिंपल 1-2 राउंड लगाना शुरू कर दें। फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक एप्पल, 1 apple a day जिस कहते हैं कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स, आप एक एप्पल खाना शुरू कर दें। इससे आपके गोल्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जब आप पहला स्टेप लेंगे तो दूसरे को अफेक्ट करेगा, दूसरा लेंगे तीसरे को अफेक्ट करेगा, इवेंचुअली एक सिस्टम बन जाएगा आपके उठने बैठने सोने जागने काम करने घर आने का सिस्टम बन जाएगा। सो आपने कहा फाइनेंशियल गोल, मुझे इस साल 20 lakh rupees चाहिए, अब 20 lakh चाहिए तो बैठे प्लान करें, स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा। नौकरी से तो नहीं आएंगे, कमेटी डालनी है, पार्ट टाइम जॉब करना है, नई स्किल सीखनी है, वाओ नई स्किल सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है और ऑनलाइन जाके फ्रीलांसिंग के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स विन करने हैं और वहां से पैसे कमाने, क्योंकि पूरी दुनिया आपके में क्लाइंट हो सकते हैं, आपको ज्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं, महंगे क्लाइंट आप अर्न कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट सीखनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, आपने जो आपका काम है, लेट सपोज आप पेपर बनाते हैं या ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाते हैं, आपने वो सारे काम के में से कुछ काम की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करनी है, अपना चैनल मेंटेन करना है, और आपने एक साल बाद का टारगेट रखा है, मैंने एक साल बाद यूट्यूब से अर्निंग शुरू कर दी। आपने आर्टिकल लिखने, आपने जो भी काम करना है, स्पेशली इस टाइम पे ऑनलाइन काम का ज्यादा जिक्र मैं कर रहा हूँ, तो आपने ये सारे काम करने हैं और एक साल के फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए वो स्किल्स सीख के उन स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसे कमाना शुरू करने हैं। दिस इज योर फाइनेंशियल गोल्स। हेल्थ गोल्स जैसे बात हुई, आप वॉक करें, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और अपनी अच्छी चीजें ऐड करें, आप अपनी लाइफस्टाइल में नींद प्रॉपर लें, आप इस चीज को मेंटेन करें। करियर गोल्स, आपने ये जॉब करनी है, नहीं करनी, क्या जॉब करनी है, क्या बिजनेस करना है, सोचें, बैठें, लिखें, जॉट इट डाउन एंड देन थिंक ओवर इट, पॉन्डर ओवर इट एंड देन डिसाइड के क्या करना है। सोशल गोल्स, दोस्त बनाने हैं, सोशल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने हैं, आपको क्लब्स के अंदर मेंबरशिप लेनी है, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, इसके गोल सेट करें और उसको पूरे साल में फिर आप अचीव करें। फैमिली गोल्स, शादी करनी है, नया घर बनाना है, फैमिली के साथ रहना है, अलहदा होना है, बच्चों की तालीम का क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपके फैमिली गोल्स में होंगी, इसकी अलहदा लिस्ट बनाएं। रिलीजियस गोल्स, आपने उमरा करने जाना है, आज करने जाना है, आपने नमाज की पाबंदी करनी है, आपने जो जो चीजें रिलीजियस से रिलेटेड हैं, किताबें पढ़नी है, उन सब की अलहदा लिस्ट बनाएं। ये गोल्स अगर आप अलहदा से बनाएंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फाइनेंशियल के साथ, हेल्थ के साथ, वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, ये सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए। स्पिरिचुअल गोल्स, कहते हैं मैंने योगा सीखना है, मेडिटेशन सीखनी है, मैंने जाके एक दिन जो है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, मैंने देखना है कि मैंने एक हफ्ता कैसे गुजारा, और संडे वाले दिन शाम को मैंने जाना है और किसी एक
अलग जगह पे बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है और मैंने असेस करना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। लेयर गोल्स, कितने पिकनिक ट्रिप्स आपने करने हैं, लोकल या इंटरनेशनल, कहाँ कहाँ फैमिली को लेके जाना है, कहाँ कहाँ दोस्तों के साथ जाना है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपने सीखनी है और ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको, इसकी लिस्ट बनाएं और लिस्ट के थ्रू आप इसको देखें। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं 5 to 10 years के आपके गोल्स, जिसमें वेयर यू वाना गो, व्हाट यू वाना डू, व्हाट यू वाना बी, व्हाट यू वाना सी। ये आपके सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ योर लाइफ के तौर पे काम करते हैं। गोल्स फॉर शॉर्ट रेंज में आता है गोल्स फॉर टुमारो, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, शॉर्ट रेंज गोल्स। हमारे पास टाइम क्योंकि कम है तो ये 2-3 slides ही हैं मेरे पास और ये हम कोशिश करते हैं कंक्लूड करने की। याद रखिए, जो आपके गोल्स होंगे ना उसका साइज डिसाइड करेगा कि आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है डेली लाइफ में वो कैसी होगी। अगर आपका सिर्फ गोल ये है आज के दिन में बिजली का बिल जमा कराना, इससे सस्ता छोटा गोल कोई नहीं हो सकता। सो इसका इम्पैक्ट, आप कोई आपसे पूछे क्या आज क्या कर रहे हो, यार बस बिजली का बिल जमा करा दिया ना, तो आज का दिन सुकून से गुजर जाएगा। अगर ये गोल है आपका तो आपके दिन का अल्लाह ही हाफिज। सो अगर आपका गोल छोटा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर आएगा, अगर गोल्स बड़े होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होंगे, बेहतर तरीके से आपके दोस्त अच्छे होंगे, आप आपकी सोच अच्छी होगी, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं यार फिर मंडे आ गया आज, ये क्या बात हुई, दोबारा मंडे, वो दोबारा ऑफिस जाना है। इन लोगों की आप हालत का अंदाजा लगाएं और देखें कि वो हमेशा इंतजार करते हैं फ्राइडे कब आएगा, सैटरडे कब आएगा। ये वो लोग हैं जो एक दिन जब जिंदगी खत्म होने लगेगी कहेंगे ओ माय गॉड शुक्र है लाइफ इज ओवर और अब मुझे मजीद काम नहीं करना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो चाइल्डिश बिहेवियर और अडल्ट बिहेवियर, बचपन में दिल चाहता होगा आपका भी कि आप ट्रेन पे बैठें और ट्रेन पे बैठने के बाद आप कहीं चले जाएं, कोई भी टिकट लें रैंडमली और उस ट्रेन पे जहां ट्रेन जा रही है चले जाएं और आपका को कुछ पता ना हो कहाँ जाना है और आप एडवेंचर करें, आप इस तरीके से जाएं। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं, अब आपका अगर ये बिहेवियर होगा कि जो काम मिल गया कर लूंगा, जो नौकरी मिल गई कर लूंगा, जो दोस्त मिल गए हैं ठीक है, जिस जो फैमिली की हालात हैं ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, तो ये खतरनाक है। इस वक्त अडल्ट के लिए क्या होता है, उनका बिहेवियर ये होना चाहिए और ये होता है कि वो जिस जगह जाना होता है पहले डिसाइड करते हैं, फिर वो टिकट लेते हैं, उनके लिए 1-2 train flights चेंज करनी पड़े, दे मेक श्योर कि दे रीच ऑन देयर डेस्टिनेशन ऑन एग्जैक्ट टाइम एंड डेट, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। आपकी मीटिंग कल है तो कल ही पहुंचना होगा, आज ये सेशन आपके साथ है तो आज ही ये होगा, इसके लिए हम दोबारा नहीं कर सकते कि जी आज नहीं तो जब मर्जी कर लें। सो ये मेच्योर और चाइल्डिश बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सेटिंग द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखें, आप समझे आपकी लाइफ ऐसे है या आपका करियर ऐसे है जैसे एक सेल बोट होती है, ऐसी बोट जिसके ऊपर कपड़े का सेल लगे होते हैं, जिसके थ्रू आप उसकी डायरेक्शन सेट करके विंड के अकॉर्डिंगली अपनी बोट को चलाते हैं। आप देखिए जो हवा है, विंड, ये हर बोट पे, हर शख्स पे, हर बिजनेस पे, हर इंडिविजुअल पे एक जैसी ब्लो करती है, द सेम विंड ब्लोज ऑन ऑल ऑफ अस। हमें क्या करना है, अगर हमें ये करना है कि प्री डिटर्मेंड लोकेशन पे जाना है, हमें पता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहाँ जाना है, हमें पता है 5 साल बाद करियर में कहाँ जाना है, हमें पता है हेल्थ गोल्स में हमने 5 साल बाद कहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी बोट की सेल आपने सेट करनी है। और वो सेल अगर आप सेट करेंगे सही तरीके से तो ही आप उस डायरेक्शन में, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। इकोनॉमिक विंड सब पे सेम है, सोशल विंड, पोलिटिकल विंड, कल्चरल विंड, फेवरेबल विंड, अनफेवरेबल विंड, सब के लिए सेम है। एक शख्स बेहतर परफॉर्म करता है, एक बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता, उसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन सही सेट की है, उसने अपने गोल सही तरह से डिवाइस किए, उसने उनके लिए एक्शन सही तरह से प्लान किए और उसने उसको एग्जीक्यूट अच्छे से किया। सो वो ग्रो कर गया, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। सो जब से दुनिया बनी है, याद रखें, कामयाबी का एक ही फार्मूला है, आप इसको जैसे मर्जी समझ लें, अपॉर्चुनिटी मिक्स्ड विद डिफिकल्टी। हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी और डिफिकल्टी दोनों आते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, कहीं डिफिकल्टी ज्यादा होती है और अपॉर्चुनिटी कम होती है।
सो ये आपने देखना है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, ये डिफिकल्टी बियर करने के लिए मैं रेडी हूं. सो उसके लिए यू शुड गो फॉर दैट, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. आपके 10 साल कैसे होंगे अगले, अगर आप तब्दील नहीं होते, आप नहीं तब्दील होते, तो आपके 10 सालों में कुछ भी तब्दील नहीं होगा. आप देखें, दिन के बाद रात, सर्दियों के बाद गर्मी, गर्मियों के बाद सर्दी, स्प्रिंग के बाद विंटर, क्या होता है फॉल के बाद क्या सीजन आता है. तो ये पिछले 10-20 हजार साल से इसी तरह ही चल रहा है. कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप चेंज नहीं होंगे, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है. लोगों को सिखाएं हाउ टू डिजर्व योर टाइम, योर कॉल, योर अटेंशन. यू टेक वन स्टेप, आई विल टेक टू स्टेप्स, ये लोगों को बताना पड़ेगा. यू ट्राई, आई विल ट्राई, यू कॉल, आई विल कॉल बैक. लोगों को बताएं कि योर टाइम इज इंपॉर्टेंट, योर स्किल्स आर नॉट वर्थलेस, यू हैव योर ओन worth, you have your own importance of your time and skills. Agar kisi ko aapka time, skills, support, assistance chahiye, they should know how to reserve your time. Ye aapko batana padega. God says, if you move towards me, I'll move towards you. Khuda ne bhi to yehi kaha hai. Meri taraf aao, main bhi tumhari taraf aaunga. How to deserve a harvest. Ye bahut important slide hai. Dekhen, ek shakhs jata hai khet mein aur jaake wo जहां पे फसलें उगती हैं, खेतों में जाके एक किसान, और जाके जमीन को कहता है, कल मैं आऊंगा और मुझे यहाँ पे गंदम की फसल चाहिए हरी भरी. तो वो खेत क्या कहेगा, कौन पागल शख्स है ये? क्योंकि वो शख्स अपनी नीड लेके जा रहा है खेत के पास, नीड है उसकी फसल, वो उस नीड को डिजर्व नहीं कर रहा. अभी डिजर्व करने का क्या ट्रेड, इफ यू प्लांट द सीड्स एंड टेक केयर ऑफ द सॉइल, chances are good that you will be able to reap. It is not because you need it, but it is because now you deserve it. Aapne beej dala, pani dala, apni soil ka khayal rakha, aapne khuda ko uska miracle karne ka time hai ab uske paas. Ab aap uski jo aapka kaam tha aapne ki, aapne apni labor ki, aap jo miracle hai khuda ki taraf se. Aap to nahi drakht paida karte na ya paude paida kar sakte. Agar aapko ya mujhe kaha jaye ek drakht paida karke dikhao, nahi kar sakte. Hamara kaam kya hai, beej lagana, उसके उसका ख्याल रखना, बाकी काम तो खुदा का है ना, वो फिर जैसे भी करे. सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम करें और अपनी नीड्स लेके ना जाए लोगों के पास. ऑलवेज टेक योर सीड्स टू द मार्केट प्लेस, मार्केट में जाएं और सीड्स लेके जाएं, अपनी परफॉर्मेंस लेके जाएं, अपनी स्किल सेट लेके जाएं, प्रूव करें कि अगर कोई कंपनी आपको हायर करेगी, आप उसके लिए बेस्ट रिसोर्स पर्सन है. अगर कोई आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करेगा तो आप उसको मायूस नहीं होने देंगे. तो आपने अपनी नीड्स को पीछे रखना है और अपने सीड्स को आगे रखना है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी. नंबर वन चॉइस, आपका दिल चाहे काम करें, दिल ना चाहे ना करें. ये कैसी बात है कि अब आप उस पोजिशन में आ गए हैं कि आप चाहें तो काम करें, चाहें तो ना करें. बिकॉज अब बाई चॉइस आप काम करेंगे, नॉट बाई नेसेसिटी, जरूरत के तहत काम नहीं करेंगे. अब आप अपनी चॉइस के तहत काम करेंगे. उससे भी ऊपर की चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर जॉय, नॉट फॉर नेसेसिटी. अब आपको मजा आता है काम करके तो आप काम करते हैं, वरना आप नहीं करते. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बुनियाद पे आपके पास ये चॉइसेस आ जाती हैं. अब आपका जो दिल चाहे वो काम करें, जो दिल ना चाहे वो ना करें. बिकॉज आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, आप नेसेसिटी ड्रिवन लाइफ नहीं गुजार रहे, आप ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, आप जॉय ड्रिवन लाइफ गुजार रहे. सो फाइनली यू कैन रीच टू द पॉइंट वेयर यू कैन वर्क फॉर जॉय, नॉट फॉर एनी नेसेसिटी. सो ये बहुत जरूरी है कि तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, जब आप अपनी खुशी के लिए, और जो काम आप डिसाइड करेंगे कि ये मुझे काम करना है, वो काम यकीनन आपको खुशी देगा या देनी चाहिए, या आपने वो काम फाइनली ढूंढ लिया है जो काम करके आपको बोरियत नहीं फील होती, मजा आता है, और साथ आप पैसे भी कमाते हैं. वो बिजनेस हो सकता है, वो ट्रेनिंग हो सकता है, वो कोचिंग हो सकता है, वो कंसल्टिंग हो सकता है, वो कोई भी काम हो सकता है, इवन आपकी नौकरी पे रहते हुए जो आप काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सके. और उसके उसमें जो की पॉइंट है वो ये है, इट्स नॉट व्हाट यू अर्न बट व्हाट यू डू विद व्हाट यू अर्न, दैट मैटर्स.
ये फार्मूला आप चेंज कर सकते हैं, ये डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, हर शख्स की डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक शख्स जो मिनिमम लेवल पे काम कर रहा है, जो नेसेसिटी के लिए काम कर रहा है, उसकी एनुअल इनकम अगर $100 है, $100 कमाता है वो एक महीने में, $100 में से $70 वो यूज करेगा अपनी फैमिली और पर्सनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, खर्चे चलाने के लिए, अपनी जिंदगी का सिलसिला चलाने के लिए। $10 उसका आप उस शख्स को चाहिए कि वो डोनेट कर दे, चैरिटी में दे दे, जेनरोसिटी, अपने बच्चों के थ्रू चैरिटी कराए, बच्चों को जेनरोसिटी सिखाए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज अगर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं तो बीइंग जेनरस होना उनको सिखाएं। इससे बड़ी कोई और एबिलिटी नहीं है जो बच्चों को ट्रांसफॉर्म करेगी, सो आपको भी ट्रांसफॉर्म करेगी। सो थिंकिंग कैसे चेंज होती है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने बाहर जाते हुए सड़क पे बैठे हुए एक शख्स से अपने शूज पॉलिश कराए, शूज पॉलिश कराने के बाद आपने अपनी पॉकेट में या हाथ से देखा है या अपने पर्स निकाल के देखा है इसको टिप देने के लिए, आपके पास दो नोट है, एक 50 का, एक 100 रुपए का। जस्ट इमेजिन करें, एक 50 रुपए का, एक 100 रुपए का नोट, और वो शख्स ने बहुत अच्छी पॉलिश की, आपके शूज चमका दिए। अब आप सोच रहे हो कि इसको 50 रुपए टिप दूं या 100 रुपए टिप दूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे, आप हायर थिंकिंग पर्सन बन जाए, तो आप 100 रुपए टिप देंगे। दोनों ऑप्शन जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आए उसमें से हायर की तरफ जाए। इसका इम्पैक्ट होगा आपके पूरे दिन की कारकर्दगी के ऊपर। अगर आप 50 रुपए दोगे आप कहेंगे यार वो 10 भी हो सकते थे यार, 40 भी हो सकते थे, इतने की तो पॉलिश नहीं थी। तो आप वापस जाना चाहिए, आप नए स्मॉल थिंकिंग पैटर्न पे चले जाएंगे। तो हायर थिंकिंग पर्सन बनने के लिए ऐसी सिचुएशन में जब भी आपके माइंड में दो फिगर्स आए तो ऑलवेज गो फॉर द हायर फिगर। 10% चैरिटी करें, आप चाहे तो मस्जिद को दें, आप चाहे तो गरीब को दें, आप चाहे तो जो स्कूल वगैरह है चैरिटी वाले, जो 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 काम करना चाहते हैं, जिसमें भी देना चाहते हैं दे, बिकॉज बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं और उनको आपकी हमारी जरूरत है, वो हमारी सोसाइटी में वैल्यू एड कर रहे हैं। सो ये आप 10% चैरिटी कर दें। 10% हमेशा कोशिश करें एक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। एक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां से आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। सो हमारी रिकॉर्डिंग, हाँ ये सो एक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये है कि आप पैसा वहां पे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे जहां से मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। वो प्रॉफिट जो है, आपको हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। वेजेस कैन मेक यू अ लिविंग, वेजेस कैन मेक यू अ लिविंग, बट प्रॉफिट्स कैन मेक यू अ फॉर्चून। फॉर्चून के लिए प्रॉफिट के तौर पे आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें 10% एटलीस्ट, और आखिरी 10% आप पैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। पैसिव कैपिटल क्या है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां आप स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे आप काम कर सके, बिकॉज आप नौकरी कर रहे हैं और आप एक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और फिर आप फर्दर और क्या कर सकते, इतना टाइम नहीं होगा, इतनी एनर्जी शुरू में स्पेशली। सो 70% आप ये याद रखें, एक शख्स $1 million कमाता है एक महीने में, वो 70% अपने ऊपर खर्च नहीं कर देगा, वो 10-20% खर्च करेगा अपनी लाइफ गुजारने के लिए, घर के खर्चे, लेयर, सारी चीजों के लिए, और 10-20 के बाद कितना, 70-80% के पोर्शंस चैरिटी में, एक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, पैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डालेगा। तो एक शख्स अगर $20,000 कमाता है तो उसकी ये फिगर चेंज हो जाएंगी। ये फिगर मेरे कहने पे आपने नहीं ले, आपने रेशियो 4 चीजों की रखनी है एटलीस्ट, लेकिन आप उसकी फिगर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए माना कमाते हैं तो आप जरूरी तो नहीं कि 7 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर दें हर महीने, आप 3 लाख रुपए में अपना अच्छा गुजारा कर सकते हैं और 7 लाख रुपए के पोर्शंस आप चैरिटी और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इफ यू विश टू, द चॉइस इज योर्स, कोई शख्स आपको फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको ज़हन में रखें और इसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो करें।
12:30 में हमने कंप्लीट करना है, 12:15 हो गए हैं हमारे पास, 15 और हैं, सो 2-3 मिनट्स में कंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन, फिर 10-12 मिनट में आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा ये लास्ट स्लाइड, ये स्लाइड पहले देख लीजिए, ये टच समथिंग एंड लीव इन अ प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रॉफिट माइंडेड पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो आप जिस चीज को भी हाथ लगाएं उसको प्रॉफिट में छोड़ना होगा। मिसाल के तौर पे मैं इस ऑफिस में आया हूं और ऑफिस में आकर मैंने लाइट्स ऑन की, एसी ऑन किया और एसी ऑन करके लाइट्स ऑन करके अपना काम किया और 1 घंटे के बाद मैं ऑफिस से चला गया बगैर लाइट्स ऑफ किए, बगैर एसी बंद किए। सो क्या हो रहा है, इस ऑफिस को लॉस हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं खुद से जाते हुए एहतियात के साथ सारी लाइट्स और एसी बंद करके बाहर जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑफिस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प कर रहा हूं। मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रॉफिट माइंडेड पर्सनैलिटी बन जाऊंगा। बाज लोग घर, नया घर लेते हैं रेंट पे, जब छोड़ के जाते हैं तो कचरा कर देते हैं, उसके पेंट का बुरा हाल, उसके अंदर से सफाई नहीं होती, सारा कचरा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ज्यादातर लैंडलॉर्ड कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि घर लेके जब जाते हैं लोग वापस छोड़ के तो उस घर का बहुत बुरा हाल होता है, कचरा हो जाता है, सफाई करानी पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट माइंडेड पर्सन बने तो आप घर खाली करते हुए खुद सफाई कराएं, छोटी मोटी को तोड़ फोड़ आपसे हुई है सही करा के जाएं, उस शख्स के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने की, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, ना कि उसके लिए लॉस का बायस बने। सो ये माइंडसेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल फेलियर्स, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फेलियर्स क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि लोगों को पूछें कि यार महीने में तुम 2 लाख रुपए कमाते हो तो क्या होता है, तुम्हारी लाइफ कैसी गुजरी, कहते हैं आई डोंट नो वेयर इट गोज ऑल, इट जस्ट गेट्स अवे फ्रॉम मी। अगर एक शख्स जिसके 2 लाख तनख्वाह है वो कहता है यार पता नहीं चलता पैसे किधर जाते हैं महीने के बाद, आप उसे कहो आओ तुम्हें हम अपनी कंपनी का सीईओ लगाते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ जा रहे, तो हमारी कंपनी चलाओ। वो क्या कंपनी चलाएगा जो अपना घर नहीं सही तरह से, अपना फाइनेंशियल जो जिसको कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस उसके पास नहीं है, उसको यही नहीं पता उसकी सैलरी कहाँ जाती है, उसका कंट्रोल नहीं है। सबसे पहली चीज अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, यू नीड टू हैव स्ट्रिक्ट अकाउंट्स, स्ट्रिक्ट अकाउंट्स, इसके बगैर नहीं। न्यू एटीट्यूड, पे टैक्सेस एंड बी गुड सिटीजन। आप चाहते हैं जब भी कभी हालात खराब होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, आप कहते हैं हमारे पास एटम बॉम्ब है, ये एटम बॉम्ब अगर आपको या मुझे खुद अपनी तनख्वाह से बनाना पड़ता कैसे बनाते, ये गवर्नमेंट ने बनाया, एक F-16 खरीदना हमारे लिए नामुमकिन है, गवर्नमेंट ने खरीद के रखे हुए हमारी हिफाजत के लिए, सो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, हम बाहर निकलते हैं रोड्स बनी हुई हैं जिसपे हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, ये हमारे लिए है, हम टैक्सेस देते हैं तो उस सारे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो माइंडसेट चेंज करें, रिड्यूस योर लाइबिलिटीज, इंक्रीज योर एसेट्स। आप याद रखें अगर आप मिलियनेयर हो जाते हैं, आप अगर मिलियनेयर हो जाते हैं, मिलियनेयर होने के बाद सबसे पहला फायदा आपको पता है क्या होगा, कि आप अपनी सारी दौलत भी दे दें तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो शख्स बन जाएंगे आप, वो जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो चुकी होगी, वो जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो चुकी होगी, वो जो आप लोगों की आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर चुके, वो जो सोशल कॉन्टेक्ट बन चुके होंगे, वो जो एसेट्स बना लिए होंगे आपने अदर देन लिक्विड कैश, वो आपकी पहचान होंगे, वो आपकी आगे फ्यूचर की सक्सेस को डिटरमिन करेंगे। एक शख्स ने अगर $1 million कमा लिए, वो सारे पैसे दे दे, वो दोबारा कमा लेगा, लेकिन एक शख्स बैठे बैठाए उसने कुछ नहीं किया, उसको $1 million मिल गए, अब उसकी टेंशन शुरू हो गई कि वो खर्च हो जाएंगे तो कम होते जाएंगे और एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। सो पर्सन बनना जरूरी है। अमीर होने के बाद क्या शख्स बनते हैं आप, क्या आप रूड हो जाते हैं, क्या आप इगोइस्टिक हो जाते हैं, क्या आप बदतमीज हो जाते हैं, क्या आप चोर बन जाते हैं, क्या आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में पागल हो जाते हैं, या आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, आप चैरिटी करते हैं, आप दूसरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, आप तमीज से बात करते हैं, आप एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के लिए, आप अदर बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बनते क्या हैं आप कमाने के बाद, आपकी दौलत का मसरफ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन,